हमें करना पड़ेगा, ये घर शिफ्ट है, वो इसको डेमोलिश करके इसकी जगह पे टाउन हाउस बनाएंगे। रेंटल मार्केट यहाँ पे कैसा है? यहाँ पर आपको नौकरी मिलना ज्यादा आसान है, बैंक का लोन मिलना ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा रेंटल क्राइसिस चल रहा है यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी तो मैं जा रहा हूँ जिम वर्कआउट के लिए। दिन की शुरुआत जिम से ही बढ़िया होती है, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करो। और आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा एक्चुअली चक्कर क्या है, हमें करना पड़ेगा ये घर शिफ्ट। ये था देखो हमारा घर, ये रहा था क्या, अभी भी रहे तो यहीं रहे हैं, बट ये हमें शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो इनके ओनर हैं वो इसको डेमोलिश करके इसकी जगह पे टाउन हाउस बनाएंगे। उनको उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह देखा था ये, और अब उसी के लिए आगे स्टेप्स ले रहे हैं, तो इस वजह से हमें नई जगह ढूंढनी पड़ रही है। बहुत मुश्किल हो रहा है कहीं ना कहीं ढूंढना, क्योंकि दिक्कत क्या आ रही है, जो जगह हमें पसंद आती है वो या तो आउट ऑफ बजट चली जाती है, या फिर उस जगह पे इतनी ज्यादा डिमांड है और इतने लोग आ जाते हैं कि वो हमें नहीं मिल पाती। जो जगह मिल रही है वो हमें पसंद नहीं आ रही, तो उस चक्कर में अभी उसी फेज के बीच में है कि भाई कोई ऐसी जगह मिल जाए जो हमें भी पसंद आ जाए, बजट में भी मिल जाए, कंडीशन जो ठीक बैठ जाए, तो अभी तो उसी के लिए लगे हुए हैं। बाकी चलो और डिटेल्स इसके बारे में आपके साथ मैं फिर शेयर करूंगा वीडियो में आगे, अभी तो पहले एक्सरसाइज करने निकलते हैं। दिन के काम वर्कआउट के बाद घर पे आके दिन के काम निपटाते निपटाते ना शाम ही हो गई, रात हो गई, अब तो बाहर कल सुबह जल्दी शिफ्ट है। चलो ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। पहले जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि यहाँ से घर हम जल्दी ही शिफ्ट करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हम शिफ्ट क्यों कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जिन्होंने ये प्रॉपर्टी ली थी, इंडियन ही है वो, उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह ली थी, अब इस जगह को वो रेनोवेट करके जैसे भी है जो भी उन्हें करना है दोबारा से रीसेल करना चाहते हैं, तो वो चीज़ है, तो इस वजह से हमें यहाँ से खाली करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि भाई रेंटल मार्केट यहाँ पे कैसा है। अगर आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं और आप कहीं पे रेंट पे प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, उसके बारे में अब इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा मैं। पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, बट तब मुझे नॉलेज कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने सोचा एक दोबारा से एक डिटेल्ड वीडियो मैं इस पर बना देता हूँ, तो ये वीडियो वैसी ही रहेगी। सबसे पहली चीज़ मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर आपको नौकरी मिलना ज़्यादा आसान है, बैंक का लोन मिलना ज़्यादा आसान है, पर रेंट पे घर मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे घर मिलना। इतना ज़्यादा क्यों है आपको आगे समझ में आएगा। एक तो सबसे पहले यहाँ का प्रोसेस क्या होता है अगर आपको घर रेंट पे लेना है। सबसे पहले दो तरीके हैं यहाँ पे मेनली घर रेंट पे लेने के, एक तो आपका फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू, एक ऑनलाइन रियल एस्टेट की वेबसाइट है उस पर कई सारे घर लोग लिस्ट करते हैं किराए पर चढ़ाने के लिए, रेंट पे लेने के लिए, या फिर घर बेचने के लिए भी वहाँ पे लिस्ट होते हैं। ये दो जगहें हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस पर आप जाएंगे तो हो सकता है आपको कई ऐसे मिल जाए घर जो आपको डायरेक्ट आपको देने के लिए तैयार है, बट उनमें क्या होगा, उसमें या तो आपको मिल सकते हैं रूम रेंट करने के लिए, पूरा का पूरा घर नहीं मिलेगा, उसमें ये होगा कि भाई एक सिंगल रूम अवेलेबल है रेंट के लिए, आ जाओ यहाँ पे रह लो,
या फिर उस तरीके से पूरा घर मिलेगा तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत होगी कि वो रियल एस्टेट के थ्रू नहीं गया, या तो रेंट आपसे ज़्यादा मांग रहे होंगे, या फिर चलिए कोई किसी को बीच में कमीशन भी नहीं देना चाहता, वो भी बात है, कोई चाहता है कि भाई डायरेक्ट ही हो जाए तो अच्छा है, तो वो वाली चीज़ है। पर उसमें मेजरली मेनली केसेस में अच्छे एरियाज़ में रेंट आपसे बहुत ज़्यादा मांगेंगे उनमें। रियल एस्टेट के थ्रू अगर आप जाते हैं तो वहाँ से आपको मिल सकता है, पर उसमें प्रोसेस बहुत लंबा है। आप पहले इंक्वायरी करोगे उस घर की, अप्लाई करोगे, घर पे आपको उसकी इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ेगा, इंस्पेक्शन के बिना आपको घर नहीं मिलेगा रेंट पे। एक पर्टिकुलर डेट होती है जिस पे आप अकेले नहीं, बहुत सारे लोग और भी इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, उनके साथ आप इंस्पेक्शन करोगे, आप फिर आपको मेल भेजी जाएगी जिसमें आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे 100 पॉइंट सिस्टम होता है जिसमें आपके पॉइंट्स मिलते हैं आपकी आईडीज़ के हिसाब से। आपका लाइसेंस होगा, प्रूफ ऑफ एज कार्ड होगा, मेडिकेयर कार्ड होगा, आप अपना पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं जिस घर में रहते हैं उसकी, उसका जो आपका एग्रीमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं, अपने बिजली के बिल, पानी के बिल, ये सारी चीज़ें आप अपलोड करोगे, इनसे आपके पॉइंट बढ़ते रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पे रेंट पे घर लेने के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इतना ज़्यादा मुश्किल है। आप एप्लीकेशन अकेले आप नहीं दोगे, अच्छे घरों के लिए जो अच्छे रेंट पे मिलते हैं उसमें बहुत एप्लीकेशन जाती है, सब यही चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ करोगे। फिर उसके बाद अगर आपको जो ओनर है उनको आपकी एप्लीकेशन पसंद आती है तो आपको घर मिल जाएगा। ये तो तरीका हो गया यहाँ पे घर मिलने के। अब सेकंड चीज़, घर यहाँ पे रेंट कितना है। रेंट यहाँ पर आपको हर तरीके का मिल जाएगा। बेसिकली अगर आपको यूनिट चाहिए जिसमें आपका एक बेडरूम, एक ड्राॅइंग रूम उस हिसाब से हो, एक दो बेडरूम लिविंग रूम उस हिसाब से हो, लगभग लगभग अब जो रेट चल रहे हैं 450 से शुरू हो जाते हैं मिलना, बट उसमें आपको यूनिट वगैरह वैसे मिलेंगे। एक अच्छा घर जो आपको पसंद आ जाए अच्छे एरिया में, 550-600 से कम का तो कहीं भी नहीं बचा। 550-600 आपको वीकली रेंट देना पड़ेगा डॉलर्स में। अब आपका मंथली वही आपका चला जाता है, लगभग 2500-3000 तक चला जाता है अगर आपको अच्छा घर चाहिए। जिस घर में हम अभी रह रहे हैं इसका रेंट भी उतना ही है और अभी तो आगे बढ़ेगा ही, तो वो चीज़ है। बहुत ज़्यादा रेंटल क्राइसिस चल रहा है यहाँ पे, डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये चीज़ आ रही है। उसी पे अब बात करते हैं। चलिए ये तो मैंने बता दिया कितने में मिलता है आपको अच्छा घर, अब मैं आपको बताता हूँ कि इतनी प्रॉब्लम यहाँ पे आ क्यों रही है। यहाँ पे घरों की सिर्फ एडिलेड में ही नहीं, मेलबर्न में भी, सिडनी में भी, पर्थ में भी इतनी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है रेंटल प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत आ रहे हैं, बाहर से माइग्रेंट्स बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, तो उस वजह से क्या हो रहा है रेंटल मार्केट बहुत ऊपर जा रही है। अपने घर लेने के लिए भी मार्केट ऊपर गई है, बट रेंटल मार्केट पे सबसे ज़्यादा इसका असर देखा गया है। आप जैसे घर देखने जा रहे हैं, आप अकेले नहीं गए, आपके अलावा 30-40 लोग, 50 लोग तक आपको वो घर देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑनलाइन आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें लाइनें लगी हुई हैं रेंट पे घर लेने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, इतना बुरा हाल है। आप घर लेने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे और भी इतने सारे लोग हैं, रेंट है उसका 600, कोई बोलेगा भाई हम 620 दे देंगे, 630 दे देंगे, 650 तक रेंट देने के लिए तैयार है। आपको लग रहा था कि भाई 600 में मिल जाएगा, पर जो पुराने खिलाड़ी हैं जिन्हें पता है वो और बढ़ा बढ़ा के बोल देते हैं। अब हमारे केस में क्या है, मैं और दिव्यानी है, हमें ही रहना है बस, तो हमें ही रेंट देना है, तो इतना ज़्यादा रेंट देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। वहीं कई सारे ऐसे होंगे जो मान लीजिए 3-4 दोस्त एक साथ मिल के ले रहे हैं, दो फैमिलीज हो गई वो एक साथ मिल के ले रहे हैं, तो उनकी जो पावर बढ़ जाती है थोड़ी खर्चने की, रेंट देने की, वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है हमसे, तो वो क्या करते हैं और उसके हिसाब से एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब भाई ओनर है उसको तो वही दिख रहा है भाई, फालतू पैसा जहाँ से आ रहा है मैं तो वहीं दे दूँ, तो उनको मिल जाता है। किसी की रेंटल हिस्ट्री और ज़्यादा अच्छी होती है उनको दे देते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, अगर आप घर खरीदने जाओगे ना, आपके पास फाइनेंसेस हैं, घर खरीदने में इतने चक्कर नहीं है, इतने टंटे नहीं है जितने यहाँ पे रेंट लेने पे, इतना बुरा हाल हो रखा भी, तो उसी चक्कर में अभी हमें भी सर्च करने में लगे हुए हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह डाली है कुछ जगह पे, कुछ जगह की इंस्पेक्शन करके आए हैं। अगर मौका मिला तो आगे किसी वीडियो में ना किसी के घर की इंस्पेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो चीज़ है। अब हो सकता है कि यही वाला घर आगे कंटिन्यू कर ले, हो सकता है हम चेंज कर ले, बट चांसेस तो अगर हमें घर मिल जाता है अच्छा तो चेंज करने के ही हैं। कई इंडियंस हैं, कई भाई हैं अपने जो दे देते हैं बिना इतने चक्करों के, बिना हमें ये घर ऐसे ही मिल गया था, हमने रियल एस्टेट के थ्रू नहीं देखा था, जानकारी के थ्रू मिल गया था, जो ओनर है यहाँ के वो जानकार निकल गए थे हमारे, तो उनके थ्रू मिल गया। तो कई बार ऐसे आपको अच्छे लोग भी मिल जाते हैं जो आपको दे देते हैं अच्छे रेट में, बट फिर कई होते हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा रेंट बताएंगे उसकी वजह से कि आपको वो सारा चक्कर नहीं करना पड़ेगा, बट भाई रेंट फालतू देना पड़ेगा। बाकी इसके बारे में अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इस घर का एक टूर भी आपको दिखाऊंगा कि ये वाला घर कैसा है जिसमें हम रह रहे थे, आगे जब चेंज करेंगे कैसे चेंज करा, कैसे मिला, किस कैसे घर में गए,
वो सारी चीज़ें भी आपके फ्यूचर वीडियोज़ में आपको देखने के लिए मिलेगी। और भी और टॉपिक्स ला रहा हूँ अभी, नेक्स्ट वीडियो में तो घर का दिखा दूंगा मैं, उसके नेक्स्ट में मैं सोच रहा हूँ यहाँ के मंथली एक्सपेंसेस के बारे में भी आपको बताऊँगा कि मंथली यहाँ के कितने एक्सपेंसेस रहते हैं, आपके रहने के, खाने पीने के, हर चीज़ के एक्सपेंसेस मैं आपको बताऊँगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आगे वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो आने वाली है, तो बने रहिएगा साथ में। आपसे मुलाकात होगी आगे वीडियो में। जय हिंद, हर हर महादेव।